इनका आभारी हूं कि ये हमारे इस प्रोग्राम में आए। इनका स्वागत करने से पहले बात मैं अपना एक संक्षिप्त थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूं। मैं सूबेदार मेजर राउंडरी कैप्टन कृत सिंह बिष्णू। मैंने 1975 में आर्मी ऑर्डिनेंस कर ज्वाइन की थी और 2008 में रिटायर हुआ था। इसके बाद मैंने इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन किया था, तकरीबन 7 साल की सेवाएं उसमें की और उसके बाद दिल्ली सरकार 2020 में 65 साल की सेवा करने के बाद, इन गवर्नमेंट सर्विस करने के बाद मैं रिटायर हुआ था। उसके बाद मैं अपने आराम कर रहा हूँ। उसके बाद कोरोना आ गया और बोला कि कहीं बाहर मत जाओ। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ आप सब लोगों के सामने कि जो हमारी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, ये सेना को, जैसे हम सबको पता है, अस्त्र शस्त्र और वस्त्र प्रदान करती है और आज के युग में, आज के तकनीकी युग में इसका काम बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। अगर आर्मी ऑर्डिनेंस कोर नहीं है तो हमारे पास ना तो अम्युनिशन है, ना हमारे पास आर्मामेंट है, ना हमारे पास गाड़ियां हैं, ना हमारे पास कुछ भी वस्त्र है, कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करके यहाँ पर आए हैं और अपना समय यहाँ पर जो है रिटायरमेंट के बाद बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर आप लोगों के जो है वो अपनी प्रतिभा के हिसाब से बहुत आगे बढ़े हैं। ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके बच्चे जहाँ पर भी रहें सुखी रहें और देश की सेवा में हमेशा तत्पर रहें। मैं कपिल फौजी साहब के बारे में बोलता हूँ। कपिल फौजी से मेरा परिचय हुआ था जंतर मंतर में 20 फरवरी की शायद और डेट थी और 20 फरवरी को बहुत ही मैंने देखा कि एक कर्मठ और एक ओजस्वी और एक शक्तिशाली आदमी जो है हमारे बीच में। ये जो 3 तारीख का वो था प्लान था, ये इन्हीं की देन है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर अगर हम इनको और ज्यादा शक्ति दे ताकि इनके शक्ति के प्राणों से हम भी रहें। इनका काम मैंने देखा 20 फरवरी से लेकर अभी तक बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है। ये हमारा जो चाहे 20 तारीख का प्रोग्राम था या 12 मार्च का था या 3 तारीख का था और उसके बाद जो जंतर मंत्र में चल रहा है, ये एक हमारा ऐसा प्रोग्राम है संविधान के तहत सब लोगों ने अपना जान से जान लड़ा की कोशिश की। आपने देखा होगा कि इससे पहले बहुत सारे आंदोलन हुए, यहाँ तक कि नोटबंदी की लाइन में जो है बड़ा इंडिसिप्लिन था, कई लोग चले भी गए, झूठ मूठ ने बोला कि मर मरा गए, लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम लोगों ने जो है वो अपना शक्ति का, अपने डिसिप्लिन का, अपने कर्तव्य प्राणता का परिचय दिया और भगवान की कृपा से हमारे इस प्रोग्राम में जो हमारा 20 तारीख का, 12 तारीख का और 3 तारीख का प्रोग्राम था, किसी को शायद छींक भी नहीं आई होगी। ईश्वर, ये शक्ति क्या है? ये हमको भारत माता की देन है। जो हम सब जितने भी यहाँ पर हैं, हम सब लोगों ने एक ही तरह का खाना खाया है, एक ही तरह की ड्रेस पहनी है, एक ही तरह का जो है हम लोगों ने जो है तनख्वाही मिली है, एक जैसे ट्वीटी किए, एक जैसे प्रेरणा किए और उतनी हमको तनख्वाह मिलती थी और उतनी हमको आज जो है वो पेंशन मिलती है। इस काम के लिए जो हमारे साथ काफी सारा भेदभाव है, बहुत भेदभाव है, हर एक आदमी को पता है, जो हम लोग वैसा कोई चीज नहीं होती, आदमी का सम्मान, उसकी रिस्पेक्ट बहुत बड़ी होती है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर पता लग गया कि जो हिंदुस्तान का जेसोस, होमली कमीशन ऑफिसर, जूनियर कमीशन ऑफिसर, एनसीओस और ओआर पट्टी पारित है, इनके द्वारा पट पारित सरकार की तरफ से नहीं, जो हमारे जिनको हमने अपना माए बाप समझा था पूरी नौकरी के दौरान, जिनके ऊपर हमारा विश्वास था, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। धोखा क्यों किया? क्योंकि हमने जो है इनको सब कुछ मान लिया था। इनको सब कुछ ना मानते हुए अभी हमारे पास श्रद्धा है, सृजन है, शक्ति है, कृतज्ञता और डिसिप्लिन है, हमें इसका प्रयोग करके और इनसे अपना हक लेना है। किसी भी तरह से हम न रहे कोई बात नहीं, हमारी जनरेशन आएगी, नए बच्चे आएंगे, नए लोग आएंगे, उनको प्रेरणा का स्रोत बनाना है। बाकी मैं सबको कहते हुए मैं विश्व से प्रार्थना एक बार और करता हूँ कि आप सब लोग जहाँ भी रहें सुखी रहें और देश की तरक्की के लिए और अपने ऊपर कोई अन्याय ना होने दे। वो जमाना गया जब हम लोगों को एक तरह से अलग कैटेगरी में मान कर रखा होगा, वो जमाना गया। आप लोगों को अपने दिल, अपने दिमाग में जोश भरना है, सृजन भरना है और भगवान अब शक्ति अपने आप देता है। हनुमान जी को भी खुद नहीं पता था पहले कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है, वो शक्ति जब उनको पता था उनके अंदर अथाह शक्ति थी। ये शायद मोदी जी ने अपने भाषण में बोला है, अगर आपको अपनी शक्ति को समझना है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है, उस शक्ति का जो है हमें सृजन करना है। जय हिंद, जय भारत। इनका आभारी हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम में आए। इनका स्वागत करने से पहले बात मैं अपना एक संक्षिप्त थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूँ। मैं सूबेदार मेजर राउंडरी कैप्टन कृत सिंह बिष्णू।
मैंने 1975 में आर्मी ऑर्डिनेंस कर ज्वाइन की थी और 2008 में रिटायर हुआ था। इसके बाद मैंने इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन किया था, तकरीबन 7 साल की सेवाएं उसमें की और उसके बाद दिल्ली सरकार। 2020 में 65 साल की सेवा करने के बाद, इन गवर्नमेंट सर्विस करने के बाद मैं रिटायर हुआ था। उसके बाद मैं अपने आराम कर रहा हूँ, उसके बाद कोरोना आ गया और बोला कि कहीं बाहर मत जाओ। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ आप सब लोगों के सामने कि जो हमारी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, ये सेना को, जैसे हम सबको पता है, अस्त्र शस्त्र और वस्त्र प्रदान करती है और आज के युग में, आज के तकनीकी युग में इसका काम बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। अगर आर्मी ऑर्डिनेंस कोर नहीं है तो हमारे पास ना तो अम्युनिशन है, ना हमारे पास आर्मामेंट है, ना हमारे पास गाड़ियां हैं, ना हमारे पास कुछ भी नहीं, वस्त्र है कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करके यहाँ पर आए हैं और अपना समय यहाँ पर जो है रिटायरमेंट के बाद बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर आप लोगों के जो है वो अपनी प्रतिभा के हिसाब से बहुत आगे बढ़े हैं। ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके बच्चे जहाँ पर भी रहें सुखी रहें और देश की सेवा में हमेशा तत्पर रहें। मैं कपिल फौजी साहब के बारे में बोलता हूँ। कपिल फौजी से मेरा परिचय हुआ था जंतर मंतर में, 20 फरवरी की शायद और डेट थी, और 20 फरवरी को बहुत ही मैंने देखा कि एक कर्मठ और एक ओजस्वी और एक शक्तिशाली आदमी जो है हमारे बीच में। ये जो 3 तारीख का वो था प्लान था, ये इन्हीं की देन है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर अगर हम इनको और ज्यादा शक्ति दे ताकि इनके शक्ति के प्राणों से थम भी रहे। इनका काम मैंने देखा 20 फरवरी से लेकर अभी तक बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है। ये हमारा जो चाहे 20 तारीख का प्रोग्राम था या 12 मार्च का था या 3 तारीख का था और उसके बाद जो जंतर मंत्र चल रहा है, ये एक हमारा ऐसा प्रोग्राम है संविधान के तहत सब लोगों ने अपना जान से जान लड़ा की कोशिश की। आपने देखा होगा कि इससे पहले बहुत सारे आंदोलन हुए, यहाँ तक कि नोटबंदी की लाइन में जो है बड़ा इंडिसिप्लिन था, कई लोग चले भी गए, झूठ मूठ ने बोला कि मर मरा गए, लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम लोगों ने जो है वो अपना शक्ति का, अपने डिसिप्लिन का, अपने कर्तव्य प्राणता का परिचय दिया और भगवान की कृपा से हमारे इस प्रोग्राम में जो हमारा 20 तारीख का, 12 तारीख का और 3 तारीख का प्रोग्राम था, किसी को शायद छींक भी नहीं आई होगी। ईश्वर, ये शक्ति क्या है? ये हमको भारत माता की देन है। जो हम सब जितने भी यहाँ पर हैं, हम सब लोगों ने एक ही तरह का खाना खाया है, एक ही तरह की ड्रेस पहनी है, एक ही तरह का जो हम लोगों ने जो है तनख्वाही मिली है, एक जैसे ट्वीटी किए, एक जैसे प्रेरणा किए और उतनी हमको तनख्वाह मिलती थी और उतनी हमको आज जो है वो पेंशन मिलती है। इस काम के लिए जो हमारे साथ काफी सारा भेदभाव है, बहुत भेदभाव है, हर एक आदमी को पता है कि जो हम लोग वैसा कोई चीज नहीं होती, आदमी का सम्मान उसकी रिस्पेक्ट बहुत बड़ी होती है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर पता लग गया कि जो हिंदुस्तान का जेसोस, होमली कमीशन ऑफिसर, जूनियर कमीशन ऑफिसर, एनसीओस और ओआर प्रति पारित है, इनके द्वारा पट पाते सरकार की तरफ से नहीं, जो हमारे जिनको हमने अपना माए बाप समझा था पूरी नौकरी के दौरान, जिनके ऊपर हमारा विश्वास था, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। धोखा क्यों किया? क्योंकि हमने जो है इनको सब कुछ मान लिया था। इनको सब कुछ ना मानते हुए अभी हमारे पास श्रद्धा है, सृजन है, शक्ति है, कृतज्ञता प्राणता और डिसिप्लिन है, हमें इसका प्रयोग करके और इनसे अपना हक लेना है। किसी भी तरह से हम न रहे कोई बात नहीं, हमारी जनरेशन आएगी, नए बच्चे आएंगे, नए लोग आएंगे, उनको प्रेरणा का स्रोत बनाना है। बाकी मैं सबको कहते हुए मैं विश्व से प्रार्थना एक बार और करता हूँ कि आप सब लोग जहाँ भी रहें सुखी रहें और देश की तरक्की के लिए और अपने ऊपर कोई अन्याय ना होने दे। वो जमाना गया जब हम लोगों को एक तरह से अलग कैटेगरी बना कर रखा होगा, वो जमाना गया, आप लोगों को अपने दिल, अपने दिमाग में जोश भरना है, सृजन भरना है और भगवान अब शक्ति अपने आप देता है। हनुमान जी को भी कुछ नहीं पता था पहले कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है, वो शक्ति जब उनको पता था उनके अंदर अथाह शक्ति थी। ये शायद मोदी जी ने अपने भाषण में बोला है, अगर आपको अपनी शक्ति को समझना है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है, उस शक्ति का जो है हमें सृजन करना है। जय हिंद, जय भारत।